मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ऑर्गेनिक खाद के बारे में। जी हां दोस्तों, जैविक खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जिसको आप कहते हैं, नेचुरल तरीके से आपको किस प्रकार से इसको बनाना है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और कैसे कैसे ये काम आता है, ये पूरा वीडियो डिटेल में हमने बनाया है जैविक खाद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैविक खाद से संबंधित जानकारी देंगे, तैयार करने की विधि बताएंगे, नाडेप विधि द्वारा तैयार खाद के बारे में बताएंगे, जैविक मटका खाद तैयार करने की विधि बताएंगे, सूखी जैविक उर्वरक द्वारा तैयार खाद बताएंगे और तरल जैव उर्वरक को बनाने की विधि बताएंगे, विकास बढ़ाने वाले उर्वरक के बारे में बताएंगे, घर में जैविक खाद बनाने की विधि बताएंगे और जैविक खाद के लाभ और नुकसान बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए हमने इसको डिस्क्रिप्शन वाइज बांट दिया है, आप चाहे जहां से वीडियो प्ले कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए। मैं हूं नितेश जैन और आप देख रहे हैं अनाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैविक खाद से संबंधित जानकारी दे देते हैं पहले आपको। खेत में बेहतर उपज के लिए अधिक रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भूमि की उपज क्षमता खत्म होने से मिट्टी बंजर होती है। हम सबको भी पता है, भूमि को पानी सोखने की क्षमता भी घटती रहती है, जिसकी वजह से भी भूमि सख्त हो जाती है, भूमि के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, हम एक्सेस खाद डालते हैं, डीएपी यूरिया ज्यादा डालते हैं इसी वजह से। तो रासायनिक खाद के उपयोग से तैयार सब्जियां खाकर कई लोग तरह तरह की बीमारियों से शिकार हो रहे हैं। एक समय था जब फसल की उपज व पैदावार को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने रासायनिक खाद के इस्तेमाल को महत्ता दी, किंतु खेती में अधिक रासायनिक खाद के इस्तेमाल से भूमि में होने वाली नमी में काफी कमी देखने को मिली है, जिससे भूमि में काफी शक्ति आ गई है। इससे बचाव के लिए कृषकों का जैविक खाद की ओर रुचि देखने को मिली है। जैविक खाद किसे कहते हैं? अब दोस्तों, अब ये वीडियो का मेन हिस्सा है, इसको आप जरूर ढंग से समझें। जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त खाद को जैव उर्वरक कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। वो किसान जो खेती करते हैं और साथ ही पशुओं को भी पालते हैं, वो पशुओं से निकलने वाले मल मूत्र, गोबर या फिर बचा हुआ चारा, घास व पेड़ पौधों के अवशेषों से तैयार खाद को जैविक खाद कहते हैं। ये खाद फसल की उपज और पैदावार के लिए भी अच्छी मानी जाती है, इससे फसल भी काफी अच्छी और विष मुक्त होती है, इससे भूमि की पैदावार क्षमता भी बढ़ती है, प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म जीव तथा जीवों का तंत्र हमारी खेती के लिए काफी सहयोगी कार्य करता है। और दोस्तों, तैयार करने की विधि के बारे में अगर बताएं तो खेत में खाद एवं तत्व की पूर्ति के लिए सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है। ये सूक्ष्म जीव जो कि खेती में रासायनिक खाद के प्रयोग से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग करना पड़ेगा, जिस खेत में फसल को पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, दलहन की फसलों में 4 से 5 पैकेट राइजोबियम कल्चर प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होगा। वही एक दाल की फसल में एजेक्टोबैक्टर कल्चर को इतनी ही मात्रा में डालें भूमि में उपस्थित फॉस्फोरस को घोलने के लिए पीएसपी कल्चर 5 पैकेट प्रति एकड़ डालना होगा। ये खाद भूमि की तत्वों में सुधार कर सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करेगी और हवा का संचार भी बढ़ाएगी, जिससे खेती में पानी सोखने तथा धारण करने की क्षमता में भी सुधार होगा और फसलों का अच्छी मात्रा में उत्पादन भी होगा। फसल एवं झाड़ पेड़ों के अवशेष के सभी तत्व होते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है, ऐसी ही कुछ विधियों के बारे में नीचे बताया गया है। नाडेप विधि द्वारा तैयार खाद, इसमें एक नाडेप होनी चाहिए जिसका आकार कुछ इस प्रकार हो, लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 5 फीट, ऊंचाई 3 फीट जैसे आकार का गड्ढा बनाना है। इसके बाद इसमें 75% वनस्पति के सूखे अवशेष, 20% हरी घास, गाजर घास पुआल, 5% गोबर तथा 2000 लीटर पानी इस गड्ढे में डाल देना है। ये सभी चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में होनी चाहिए। इन सभी चीजों को पानी में घोलकर अच्छे से फावड़े द्वारा मिला दें। स्टेप 1, सबसे पहले कचरे को 4 उंगल तक नाडेप में भर दें।
फिर दो अंगुल तक मिट्टी को डाल दें, इसमें पानी डालें, जब पूरा नाड़े भर जाए तब चार अंगुल मिट्टी से ढांप दें, चार अंगुल मिट्टी से उसको ढक दें। स्टेप टू क्या है दोस्तों, तैयार कचरे के ऊपर 12 से 15 किलो तक रॉक फॉस्फेट की परत के बिछार पानी में भिगो दें। इसके बाद फिर इसके ऊपर एक उंगल तक मोटी मिट्टी को बिछाकर पानी डाल दें, भरे हुए गड्ढे पर चार उंगल मिट्टी की परत ढांप दें। और तीसरी स्टेप है, दो अंगुल नीम पत्ती की मोटी परत को कचरे के ऊपर बिछा दें। इसके बाद 60 दिन पश्चात सब्बल में 1.5-1.5 फुट पर छेद कर 15 टिन पानी में 5 पैकेट पीएसबी तथा 5 पैकेट एजोटोबैक्टर कल्चर को घोलकर छेद में भर दें। इसके बाद इन छेदों को मिट्टी से भर दें। जैविक मटका खाद तैयार करने की विधि, नाडेप के बाद में अब मटका विधि। जैविक खाद को घर से बनाने की विधि के उपाय कुछ इस प्रकार है। रसोई की कचरे द्वारा तैयार खाद, ग्रामीणों के रसोई में उत्पन्न होने वाला कचरा कम पैमाने पर होने वाला एरोबिक उपघटन के बारे में बताता है कि उस कैसे उपयोग में लाया जाए। इस खाद को तैयार करने की विधि की जानकारी इस प्रकार है। 1 फुट गहरा गड्ढा खोद लें, फिर उसमें कैंटीन, होटल, रसोई द्वारा एकत्रित किए हुए कचरे को भर दें। इन अपशिष्ट युक्त गड्ढे में लगभग 250 ग्राम जीवाणुओं को डालें, ये जीवाणु उपघटन बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद पानी और मिट्टी की एक मोटी परत को साथ में मिश्रित कर उस पर बिछा दें ताकि नमी की मात्रा बरकरार रहे। 25 से 30 दिनों के पश्चात ये अपशिष्ट माइक्रोबियल अमीर खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रक्रिया प्रत्येक 30 से 35 दिन के अंतराल में दोहराई जा सकती है। सूखी जैविक उर्वरक द्वारा तैयार खाद, इस तरह की खाद को रॉक फॉस्फेट या समुद्री घास में से किसी एक चीज द्वारा बनाया जा सकता है तथा इन्हें कई तरह के अवयवों के साथ मिश्रित किया जा सकता है। सभी जैव उर्वरक पोषक तत्वों के व्यापक सारणी उपलब्ध करते हैं। कुछ मिश्रण जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा को संतुलित रखने के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं। वर्तमान समय में कई तरह के मिश्रण उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से अलग अलग संशोधन के मिश्रण से खुद ही बना सकते हैं। इस तरह की खाद को तरल जैव उर्वरक, ये तीसरे नंबर की खाद है दोस्तों, इस तरह की खाद को समुद्री शैवाल या चाय के पत्तों द्वारा बनाया जाता है। तरल उर्वरक का उपयोग पौधों में उपस्थित पोषक तत्वों को बढ़ाने के प्रयोग में लाया जाता है। इसके लिए इसमें हर महीने या प्रत्येक 2 सप्ताह के अंतराल में पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। स्प्रे के रूप में स्प्रे टंकी में तरल जैव उर्वरक के मिश्रण को भरकर स्प्रे करना चाहिए। और दोस्तों, विकास बढ़ाने वाले उर्वरक, अब इसके बारे में आपको समझना होगा। समुद्री घास की राख से तैयार एक उर्वरक सिवार है जो कि सबसे आम विकास बढ़ाने वाला उर्वरक है। ये उर्वरक अधिक प्रभावी ढंग से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल पुराने समय से किसानों द्वारा किया जा रहा है। पंचगाव्यम उर्वरक, इस शब्द में पंच का अर्थ पंच और गाव्यम का अर्थ गाय से उत्पन्न होने वाला तत्व है। प्राचीन काल से ही इस उर्वरक का इस्तेमाल होता रहा है। इस खाद को इस तरह से तैयार किया जा सकता है। एक मटका लें, उसमें गाय का दूध, दही, मक्खन, घी, मूत्र, गोबर और नारियल डालकर लकड़ी की छड़ी से अच्छे से मिला दें। 3 दिनों के लिए मिश्रण युक्त बर्तन को बंद करके रख दें। 3 दिनों के बाद इसमें केले और गुड़ को डालकर मिला दें। इसे पूरे मिश्रण को 21 दिन तक हर रोज मिलते रहें तथा मिलाने के बाद मिश्रण को बर्तन से अच्छे से बंद कर दें। 21 दिनों के बाद में उसमें जब बदबू आने लगेगी तो 10 लीटर के मिश्रण को 200 मिलीलीटर तैयार मिश्रण मिला दें पर पौधों पर स्प्रे कर दें। मतलब बहुत ज्यादा बदबू आने लगेगी, उस गंदे पानी से ये खाद तैयार होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल, ग्रीन टी के कमजोर मिश्रण को पानी में मिलाकर प्रत्येक 4 सप्ताह में स्प्रे कर सकते हैं। जो ग्रीन टी पीने के बाद में जो खाली बैग बचता है उसकी बात हो रही है। जिलेटिन खाद का इस्तेमाल, जिलेटिन पौधों के लिए एक अधिक मात्रा वाला नाइट्रोजन का स्रोत है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी के 1 कप में जिलेटिन पैकेज भंग कर मिला दें। इस्तेमाल के वक्त ठंडे पानी को 3 कप को मिला दें। इसके इस्तेमाल 1 महीने के अंतराल में करें। एक बात यह भी कि सभी पौधे नाइट्रोजन से ही नहीं पनपते हैं। मछली घर के पानी का प्रयोग, ये भी एक तरीका है दोस्तों।
मछली अपशिष्ट को एक अच्छा उर्वरक माना जाता है, इसलिए मछली का टैंक से पानी बदलते समय उसके पानी को पौधों में छिड़काव के कम में लाया जा सकता है और घर पर जैविक खाद तैयार करना बहुत आसान है। आप अपने दैनिक कूड़ेदानों को समृद्ध जैविक खाद में बदल सकते हैं और इसके साथ फूल सब्जियां या पौधे उगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घर पर जैविक खाद तैयार करने की सबसे लोकप्रिय विधि। अब ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी विधियां हैं लेकिन बहुत काम की है, इसलिए आप इसको डिटेल्स में समझिए। पॉट कंपोस्टिंग, इस प्रक्रिया में 3 बर्तनों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले अपने रसोई घर में अपने घरेलू कचरे को सूखे और गीले में अलग अलग कर देना है। बचे हुए भोजन, फलों के छिलके और टी बैग्स गीले अपशिष्ट होते हैं, जबकि कागज, प्लास्टिक और पैकेजिंग क्षेत्र सूखा कचरा होता है। दूसरा, इन दोनों कचरों को किचन में 2 अलग अलग कंटेनरों में डालें। जब गीला कचरा पात्र भर जाए तो उसकी सामग्री को पहले खाद के बर्तन में डालें। इसके पश्चात सड़ने के प्रोसेस के साथ शुरू करने के लिए अपशिष्ट वेस्ट जो होता है और अर्थ खाद सामग्री, सेमी कंपोस्टेबल मटेरियल जो बोलते हैं, छाछ या गाय के गोबर, काउडंग जो गोबर बोलते हैं हम, के सामान मात्रा में सूखे पत्ते डालें। ढेर को हर दूसरे दिन पलट दें। ढेर को नमी के सही स्तर पर रखें। अगर ज्यादा गीला हो तो सूखे पत्ता डाला कर चलाएं और अगर ज्यादा सूखा हो तो पानी डालकर चलाएं। एक बार जब यह भर जाए तो कंपोजिशन होने के लिए बर्तन को 30 से 45 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। फिर अर्ध खाद वाले पदार्थ को एक बड़े कंटेनर या बिन में जाएं। माह के बाद ये कचरा समृद्ध खाद, जिसको हम बोलते हैं इनरिच्ड मैन्योर, जो आपके काम की खाद है वो बन जाएगी, परिवर्तित हो जाएगा, जिसे आप खाद के रूप में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग, इसका नाम काफी लोकप्रिय है और सब जने डालते भी हैं। ये कृमि का मल है जो जैविक कचरे के सेवन के बाद बनता है। इस प्रक्रिया में केंचुए मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन कीड़ों को जीवित रहने और प्रजनन के लिए हवा, पानी, भोजन और गर्मी की आवश्यकता होती है। इन कीड़ों को जैविक अपशिष्ट पदार्थों से भरे कंटेनरों में डालकर आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। कटा हुआ अखबार, कटा हुआ कार्डबोर्ड, नारियल के रेशे और सूखे गोबर के उपले लीजिए। एक बड़ा प्लास्टिक टब लें और इन्हें पानी में भिगो दें। शेष बचे हुए जल के निचोड़ लें और इन सामग्रियों को वर्म बिन के नीचे रख दें। इसके बाद कुछ केंचुए उस मिट्टी से निकालें जिसमें वे रहते हैं। इसमें आधी अधूरी खाद डालें और इसे रसोई का कचरा भी 2-3 दिन में एक बार डालें। इसे मांस, डेयरी या वायु युक्त भोजन न खिलाएं। अपने वर्मी कंपोस्ट बिन में खट्टे फलों और छिलकों का प्रयोग सीमित करें। अम्लीय, जो एसिडिक, कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। फलों और सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कैफी के मैदान, टी बैग्स और चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करें। बोकाशी विधि, ये सूक्ष्म जीवों के एक चुनिंदा समूह का उपयोग करता है जो अवयवीय रूप से जैविक कचरे को किण्वित करता है। किण्वन के लिए रसोई के दैनिक कचरे को एयरटाइट ड्रम में डालें। आप अगले दिन रिम के आसपास कीड़ों को देख सकते हैं। फिर बेकाशी पाउडर डालें। सुनिश्चित करें कि ड्रम में एक नल है जो समय समय पर उत्पन्न तरल की थोड़ी मात्रा को निकाल सकता है। इस तरल को से गुड़, चोकर और सिरके जैसी महक आएगी। घर में जैविक खाद बनाने की विधि, आप अगले दिन रिम के आसपास कीड़ों को देख सकते हैं। फिर बोकाशी पाउडर डालें। सुनिश्चित करें कि ड्रम में एक नल है जो समय समय पर उत्पन्न तरल की थोड़ी मात्रा को निकाल सकता है। आप चाहें तो दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। और इस तरल से गुड़, चोकर, सिरके जैसी महक आएगी। 17वें दिन के आसपास ड्रम में कुछ सफेद फंगस उग आएंगे जो किण्वन दिखा रहे हैं। सफेद सांचा एक लाभकारी कवक है जो रोग जनकों को दबाने में मदद करता है। यदि आपके पास सफेद फफूंदी है तो इसका मतलब है कि आपका किण्वन अच्छा चल रहा है। 1 महीने के लिए बोकाशी ड्रम में रसोई के कचरे को इकट्ठा करें और फिर इसे 18 दिनों तक बैठने दें। ड्रम की कुछ सामग्री को अर्ध निर्मित खाद के साथ मिलाएं और इस मिश्रण को एक टब में डालें। एक खाई खोदें, फिर उसमें गीला कचरा डालें और उसे ढक दें। 3 सप्ताह के बाद आपकी काली खाद तैयार हो जाएगी, जिसको हम ब्लैक मैन्योर भी बोलते हैं। और चौथी है दोस्तों अंडे के छिलके की खाद। आप अंडे के छिलके को पानी से धोकर उन्हें खिड़की के सिरे पर सुखाकर धीमी गति से निकलने वाली
कैल्शियम उर्वरक बना सकते हैं ताकि उन्हें फफूंदी बढ़ने से रोका जा सके। एक बार सूख जाने पर अंडे के छिलकों को ब्लेंडर में या मोर्टार और मसल के साथ पीस लें, कांच के जार में स्टोर करें। अंडे के छिलकों में लगभग 95% कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो चूने के समान घटक है। मिट्टी की अम्लता को कम करने और उर्वरता में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लोकप्रिय मिट्टी संशोधन है। हालांकि पारंपरिक तरीकों से तैयार की गई खाद अच्छी तरह से विघटित नहीं होती है, जबकि अपघटित खाद को प्रयोग किया जाता है जो कीट एवं खरपतवार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। किसानों द्वारा तैयार खाद की औसत नाइट्रोजन सामग्री 0.5% है। उन्नत विधियों का उपयोग करके खाद की नाइट्रोजन सामग्री को 1.5% तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, जैविक खाद के लाभ आपको बता देते हैं। मिट्टी की उर्वरता के स्तर को बनाए रखता है, मिट्टी के पोषक स्तर को बढ़ाता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार करता है, मिट्टी की अंत संयंत्रण क्षमता को बढ़ाता है, इस प्रकार सतही अपवाह को कम करता है, पौधे के पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स और डैम्प नमी को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, अच्छी तरह से विघटित मिट्टी की प्रतिक्रिया को रोकता है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है। ये मृदा माइक्रोबियल गतिविधि को भी बढ़ाता है जो रासायनिक उर्वरकों के खनिजीकरण में मदद करता है, जिससे वे फसलों के लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। और दोस्तों, अब इन सभी चीजों के बाद में वही बात आ जाती है सावधानियों की। सावधानियां वही है दोस्तों जो हम हर वीडियो में रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों को दवाइयों की पहुंच से दूर रखें, हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क लगाएं, खाली पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करें, फ्लैट फैन नोजल या नेपसेक स्प्रे पंप का ही स्प्रे करें, हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, और डब्बा पैकेट ये पूरा जब भी आप कोई दवाई का पूरा यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में जो खाली बॉटल बचती है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, उसको आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है या फिर आप धो दिपा के उसको रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाले को बेच भी सकते हैं, लेकिन उसका अन्य कोई उपयोग आपको नहीं लेना है। मछली पालन के क्षेत्र में और मधुमक्खी पालन के क्षेत्रों में भी दवाइयों का स्प्रे बहुत सावधानी पूर्वक करना है। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें उसके 20 दिन बाद में आपको फसल काटने के लिए जाना है। ये थी तमाम जानकारी वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों गुलाब की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुलाब की खेती आपको किस प्रकार करनी है, कैसे ये खेती फायदेमंद है और कैसे ये खेती हर जगह हो सकती है, ये सारी जानकारियां देंगे आपको आगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपनी और साथी भाइयों के साथ में इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।